इस सीरीज की शुरुआत होती है मर्डर से, जो एक साइको किलर कर रहा है और हर लाश की जीभ गायब है। अब किसी भी साइको किलर मूवी या सीरीज की तरह इस वेब सीरीज में भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। देखो, ये वेब सीरीज हिंदी में भी डब की गई है, जो काफी अच्छी लगती है। आपको डल्सी, एबी और एडी, जो कि इस वेब सीरीज की मेन कास्ट है, उनकी वॉइस शुरू से ही आइडेंटिफाई हो जाएगी और एक टाइम पर जाकर आपको उनसे इमोशनली कनेक्ट करने में हेल्प होगी। इसके अलावा इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी भी डिसेंट है और विजुअल इफेक्ट्स का बहुत कम यूज हुआ है, पर जितना हुआ है अच्छा है। लेकिन इस सीरीज में बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं, तो केस की इन्वेस्टिगेशन भी सभी के साथ होगी। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंसान की इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है और क्योंकि सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है तो कहानी काफ़ी उलझी हुई लगती है और समझना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट ब्रेक होने लगता है। अदरवाइज ये एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। आप अगर चीज़ों को समझ पाएंगे तो जो क्लूज और कनेक्शन इसमें दिखाए गए हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव और वेल रिटन है। इस सीरीज में एडी का कैरेक्टर है जो सिर्फ कॉमेडी के लिए डाला गया है, तो सीरीज में टाइम टू टाइम आप उसकी स्टूपिड एक्टिविटीज भी देखते रहोगे, जो फन टू वॉच एक्सपीरियंस देगी। ओवरऑल बात करूँ तो सीरीज को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं देखा जा सकता और सीरीज स्लो चलती है, जो इसकी उलझी हुई कहानी को समझने में हेल्प करती है। लेकिन हो सकता है कि ये आपको बोरिंग लगने लगे और इस बात के भी काफ़ी चांसेस है कि आप ये सीरीज बीच में ही स्किप कर दें। वैसे देखने दिखाने का कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है सीरीज में, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ ना देखें, क्योंकि पूरी सीरीज में भर भर के गालियों का इस्तेमाल हुआ है।